कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते होटल इंडस्ट्री पर संकट के बादल हैं। ग्वालियर में अचानक होटल बंद होने से कई होटल बर्बादी की कगार पर पहुंच गए। ऐसे में होटल संचालकों ने सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। होटल संचालकों का कहना है कि इस लॉकडाउन के दौरान सरकार ने अपने भारी भरकम टैक्स, GST और बिजली बिलों में कोई कटौती नहीं की है, और अगर सरकार ने सहायता नहीं की तो कई होटल बंद हो जाएंगे और बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक ग्वालियर में 150 से ज़्यादा होटल हैं। यहाँ पर हर महीने 15 से 20 करोड़ का कारोबार होता था, जिसमें से आधा पैसा होटल संचालकों को सरकार को बिजली के बिल, GST और अपने कर्मचारियों की पगार के रूप में देना होता था। पिछले 3 महीने से इनकम की ये प्रक्रिया एक तरह से ठप पड़ी हुई है, लेकिन बिजली के बिल और दूसरे खर्चे निरंतर चल रहे हैं, जिससे होटल इंडस्ट्री बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुकी है। जैसे आपको पता ही है कि लॉकडाउन हुआ, ठीक है, ये तो नेशनल वाइज क्या वर्ल्ड वाइज प्रॉब्लम है ये। अब लॉकडाउन हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट ने कर दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ वो होटल इंडस्ट्री हो गया, टूर एंड ट्रैवल हो गया, दूसरी इंडस्ट्रीज भी हो गया। लेकिन दूसरी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने कुछ न कुछ सहायता दी, चाहे लोन के रूप में, चाहे कैसे न कैसे करके, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ा है वो होटल इंडस्ट्री को प्लस टूर एंड ट्रैवल को। गवर्नमेंट की साइड से हमें सहयोग चाहिए था कि चाहे कुछ वो टैक्सेस में हमें रिबेट देते, चाहे जो बिजली के बिल थे उसमें वो रिबेट देते, चाहे GST में देते, लेकिन इस तरह से गवर्नमेंट से कोई भी सहयोग नहीं मिला। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की साइड से कि बिजली के बिल का, हमने अपने होटल में 200 KV का मेरा कनेक्शन चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने चाहती तो इस पर हमें कुछ ना कुछ रिबेट करती। अब जो बिलिंग है वो फुल बिलिंग होके आ रही है, ना सहयोग है, ना गवर्नमेंट के साथ से सहयोग है, ना ही कहीं से गाइडलाइंस आई कि इसको कम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वो कहीं से भी सहयोग नहीं आया। टैक्सेस की बात करें तो वहाँ पे भी कोई भी सहयोग नहीं आया, GST पे भी कहीं पे सहयोग नहीं है। और हम पे जो बर्डन है वो पर मंथ बिजली का बिल है, सैलरी देना है, वो भी पर मंथ हमारे पास बर्डन आता है। दूसरा चीज़, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे हैं, वो भी हमारे सेम टू सेम है, लेकिन इनकम जीरो है। तो लास्ट 60 डेज से या 65 डेज से जब से लॉकडाउन है, खर्चे हमारे सेम चले जा रहे हैं, लेकिन जो आमदनी वो जीरो है, सहयोग वो भी जीरो के नाम के बराबर है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।